नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं मोनालिसा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता है जब चुपके से बुढ़ापा आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हालांकि बुढ़ापा आना तो तय है, ये भी सच है कि उम्र के इस पड़ाव में शरीर कमजोर हो जाता है, बोलने में परेशानी और चलने फिरने में दिक्कत के साथ ही और भी कई समस्याएं हो जाती हैं। हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन संभाल जरूर सकते हैं। आज का अंक इन्हीं खास विषयों पर आधारित है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति 60 साल में भी जवान दिखाई देता है तो कोई 40 साल में ही वृद्ध दिखने लगता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या सफेद बाल हो जाना या पाचन शक्ति का कमजोर पड़ जाना बुढ़ापा है या फिर ढलती हुई आयु बुढ़ापा है। बढ़ती उम्र की समस्याओं से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जिसे हम सभी को जानना चाहिए। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि हेल्दी एजिंग के लिए आयुर्वेद विज्ञान क्या कहता है। ये सारी बातें आज हम अपने विशेषज्ञों से समझेंगे, जानेंगे। तो आज कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा हेल्दी एजिंग, बढ़ती और ढलती उम्र में कैसे रहें स्वस्थ और मस्त। अगर आपके परिवार में भी कोई वृद्ध और बुजुर्ग है, वो किसी समस्या से ग्रस्त हैं, उनके व्यवहार में कोई फर्क महसूस कर रहे हैं तो बेझिझक पूछिए अपना सवाल और जानिए समस्या के कारण और समाधान। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60 और 1800-1130-61। ये फोन निःशुल्क है, यानी आपका कोई पैसा नहीं लगना है, बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जरा चिकित्सा यानी कि वृद्धावस्था में होने वाले रोग के दो विशेषज्ञ। आइए आपका परिचय कराते हैं। आप हैं डॉक्टर विजय कुमार, आप जेरियाट्रिक विशेषज्ञ हैं और दिल्ली के एम्स में जेरियाट्रिक विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम समझेंगे कि बढ़ती उम्र में कौन कौन से विकार ज्यादा परेशान करते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर भगवान सहाय। आप भारत के प्रतिष्ठित संस्थान आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे हम समझेंगे कि लंबी उम्र के दौरान रोगों की रोकथाम में आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है ताकि वृद्धावस्था को संभाला जा सके। तो कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट और जानते हैं क्या होता है जब बढ़ती है उम्र। रेलम्पेल में उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता। एक नवजात शिशु कब अपनी शैशव अवस्था छोड़कर युवावस्था में पहुंचता है पता ही नहीं चलता, और पता ही नहीं चलता कब हमारा ही चेहरा हमसे ही चुगली करने लगता है और आईना भी कुछ कुछ बताने लगता है। जी हाँ, उम्र का बढ़ना तो शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 और 50 की उम्र में ही सोचने लगते हैं कि उन्हें जो जीना था जी लिया, अब बची खुची जिंदगी किसी तरह कट ही जाएगी। बता दे कि यह अधूरा सच है। पूरा सच जानना चाहते हैं तो जरा दम भर रोकिए और झांक कर देखिए अपनी जीवन शैली को। कहीं आपके जोड़ों में दर्द, मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां आपकी गलत जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है। गौरतलब है कि उम्र के हर पड़ाव पर जिंदगी करवटें बदलती रहती है, हमारे रूप रंग में भी बदलाव आता रहता है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है बुढ़ापे का दौर। लेकिन आप चाहें तो बढ़ती उम्र को एक खूबसूरत एहसास बना सकते हैं। बता दें कि 50 के बाद हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं, शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधि की धीमी पड़ते ही पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इस अवस्था में हृदय की दीवारें मोटी होने लगती है, हार्ट रेट कम हो जाता है और फिर जरा सी बात पर दुखी हो जाना, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या के बढ़ जाने पर डिमेंशिया जैसी समस्या भी हो सकती है, और फिर उम्र का वो पड़ाव भी
आ ही जाता है जब कपकपाती हाथें ढूंढ नहीं पाती समय के इशारों को, मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को, अखबार बिना खोले पड़ा रहता है, टीवी चलती रहती है और वो सो जाते हैं। बस यही तो है वृद्धावस्था। हालांकि यह शारीरिक परिवर्तनों की वजह से होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन संभाला जरूर जा सकता है। और संभालने का बेहतर तरीका है वास्तविक आयु से कम दिखने के लिए खान पान पर ध्यान देना, बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना जो हमें दाल, टोंड, दूध, अंडे से प्राप्त हो सकता है, स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुटे रहना, नियमित योग और व्यायाम को कभी नहीं भूलना। जी हाँ, एक बात और, यदि आपके चेहरे पर तनाव और उम्र के निशान दिखने लगे तो कृपया शर्माइए नहीं, जिंदा दिली और मस्ती के साथ जिंदगी के उजले पहलू को देखिए, पॉजिटिव सोच रखिए यानी सकारात्मक विचार रखिए। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप में लेते हैं उनकी आयु 7.5 साल बढ़ जाती है। जी हाँ, लेकिन जो कहते हैं कि उनको सताता है बुढ़ापा, उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। और जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, मैं समझता हूँ कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, सचमुच जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, उसी के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। तो जागरूकता से लबरेज ये रिपोर्ट आपने देखी, आइए अब हेल्दी एजिंग के गुर भी जानते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। बातचीत की शुरुआत करेंगे डॉक्टर विजय आपसे। और जैसे कि रिपोर्ट में भी हमने देखा और आमतौर पर भी हम देखते हैं कि जब वृद्धावस्था की बात होती है, बुजुर्गों की बात होती है, तो लोगों के मन में एक दया का भाव सा उमड़ने लगता है। क्या ये जो सोच है और ये जो भाव है इसे तोड़ा नहीं जा सकता हेल्दी एजिंग के जरिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बुजुर्गों को एक बेचारगी की उससे धारणा से देखा जाता है जी। लेकिन जैसे जैसे आजकल आप बुजुर्ग अच्छे जो एक्टिव हेल्दी एजिंग वाले जो एग्जांपल्स हैं, अगर उनकी तरफ आप ध्यान दें तो वो कहीं भी अपने जो जवान समकक्ष है उनसे पीछे नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। चाहे आप वो बिजनेस में देख लें, चाहे आप वो स्पोर्ट्स में देख लें, तो जैसे आप बड़ी बड़ी बड़े बड़े अभिनेता हैं या नेता हैं, आप उनका देखिए, अगर मीनिंगफुल एंगेजमेंट रहता है, हेल्दी एजिंग लोग अपनाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो वो 80 साल की उम्र में भी जो है एक 30 ईयर्स के बंदे से ज़्यादा जो है मेहनत कर सकते हैं और उनसे अच्छा जो है वो समाज के लिए जो है समाज में योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भगवान, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं कि 60 साल की उम्र में भी बुजुर्ग नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि 40 के उम्र में ही ऐसा लगता है कि बुढ़ापा उन पे हावी होने लगा है। तो क्या उम्र से ही वृद्धावस्था को परिभाषित किया जाए, आपका क्या विचार है? जी, काफी रिलेवेंट प्रश्न बनता है। वैसे वृद्धावस्था एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, लेकिन इसे कुछ समय के लिए वयस्थापन आयुर्वेद में कहा गया है, एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं जी। इस तरह के आयुर्वेद में बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई गई है जिनसे हम वृद्धावस्था को डिले कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं जी। तो आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद के रूप से आयुर्वेद में 8 अंग आयुर्वेद के बताए गए हैं, 8 ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा, एक चिकित्सा की दृष्टि से, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रारंभ काल में ये 8 ब्रांचेज थी। उनमें से जरा चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति रही है, एक ब्रांच रही है। जरा चिकित्सा में वृद्धावस्था को कैसे डिले किया जाए, व्यवस्थापन कैसे किया जाए, इस पर विचार किया गया है जी। इसके लिए रसायन चिकित्सा का प्रावधान आचार्यों ने किया है। रसायन मीन्स यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायन, अर्थात जो जरा बुढ़ापा और रोग इनको नष्ट करे वो रसायन चिकित्सा है। रसायन चिकित्सा के अंतर्गत हम जिन औषध द्रव्यों का या आहार द्रव्यों का प्रयोग करते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, जो रोगों को उत्पन्न करने वाले और एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने वाले फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकाल के हमें स्वास्थ्य
और हेल्दी आयु प्रदान करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही कुछ गुर आपसे जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन इस बीच हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी नंदस्वरूप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया आप थोड़ा तेज बोले। आपसे गुजारिश होगी कि थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज बहुत ही धीमी हमें मिल रही है, हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया अपना सवाल दोहरा दीजिए। मजबूत रहे हम नंदस्वरूप जी, जो भी आपने सवाल पूछा है, जहां तक हम समझ पाए हैं किस तरह का व्यायाम और लाइफस्टाइल रखना चाहिए, आप इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर विजय बताएं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अभी बता रहे थे जी, कैसा होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल? जी जैसे कि जो बुजुर्गों को होने वाली समस्याएं हैं, जैसे बीपी, शुगर और मोटापा, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं जिन्हें कि प्रिवेंट किया जा सकता है अच्छा लाइफस्टाइल रखने से। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि अगर आप 80 इयर्स में फिट रहना चाहते हैं तो आपको 18 ईयर्स से, मतलब 18 साल की उम्र से अपना लाइफस्टाइल जो है अच्छा रखना पड़ेगा जी। तभी आप जाके इन बीमारियों से बच पाएंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप डिले कर सकते हैं अपने उसको, तो अपने शरीर को स्वस्थ तभी आप रख पाएंगे जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है 18 ईयर्स से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, या आप जिस भी एज पे हैं अपना लाइफस्टाइल जो है अपना मोटापा अवॉइड करें, जो और जो साइलेंट डिजीजेज हैं जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, इनके लिए अपनी जांच कराएं, अगर आपको ये पाई जाती हैं तो उनकी रोकथाम के लिए अपना इलाज टाइम से कराएं, क्योंकि ये साइलेंट डिजीजेज हैं, इनके बारे में आपके पता नहीं लगता और शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं, और ऐसे लोगों में बुढ़ापा जो देखा गया है बहुत जल्दी आ जाता है। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर विजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जेरियाट्रिक होने के नाते जो सबसे ज्यादा जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं? जी, सबसे ज्यादा देखा गया है कि बुजुर्गों में जोड़ों की समस्या जो है एक बहुत गंभीर समस्या है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और जो सांस से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत लोग जो बुरे व्यसन में होते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उनमें ये समस्या है। आजकल हार्ट डिजीजेज और जो कैंसर है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है जो कि इन लोगों में देखा जाता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भूलने की समस्या है, डिमेंशिया है या डिप्रेशन है, जिसके बारे में हमारे देश में अभी जागरूकता कम है, जिसकी वजह से ये बीमारियां पकड़ में भी नहीं आती है। हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि ये सठिया गए हैं या इस उम्र में तो भूलने की समस्या आम है, उसको नजरअंदाज किया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल, तो इन समस्याओं की जड़ क्या है और क्या इसका निदान है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे आगे। लेकिन इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो राजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरे को दर्द हो रहा है। जी आप कहाँ पे दर्द की शिकायत कर रहे हैं? आपकी आवाज में बहुत धीमी मिल रही है राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी अपना सवाल दोहरा दीजिए कृपया। जी ठीक है, डॉक्टर विजय इनका कहना है कि गले में दर्द की शिकायत है, तो ऐसे में क्या करें? लेफ्ट साइड में या गले में जो दर्द की समस्या है उसमें एक बार देखना होता है कि अगर कोई गुटखा या तंबाकू की कोई इनकी हैबिट तो नहीं है, तो उसमें वहाँ पे कोई इन्हें गांठ या कोई ऐसी स्वेलिंग वगैरह तो फील नहीं हो रही है, और खाना निगलने में कोई समस्या तो नहीं है, या वहाँ पे थायराइड की भी समस्या जो है देखी जाती है, तो एक बार इनका जांच अपने नजदीकी अस्पताल में गले के डॉक्टर से एक बार ये दिखाकर अपनी जांच करा सकते हैं, जिससे कि आगे इनका इलाज जो है सुचारू रूप से किया जा सके। बिल्कुल, डॉक्टर भगवान आप भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे, क्या वजह हो सकती है इस तरह की समस्याओं की?
सबसे पहले मैं जो पूर्व दर्शक ने हमारा जो प्रश्न किया था लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वो उस विषय में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के तीन सूत्र आयुर्वेद में मान सकते हैं, कंजीनियल डाइट, डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज हमारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और तीसरी जो है निद्रा, नींद हमारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। व्यायाम के विषय में हर व्यक्ति का अपना शरीर का तासीर होता है, शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर की क्षमता होती है, अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक परिश्रम व्यायाम अवश्य करें और अपनी जो एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। निद्रा भरपूर, जो 7 घंटे 8 घंटे की जो निद्रा है वो उसको भरपूर लेनी चाहिए। निद्रा हमारे जीवन का एक आधार होता है और एनर्जाइज करने के लिए निद्रा की परम आवश्यकता होती है। दूसरी जो डाइट होती है, डाइट में आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी आहार द्रव्य हैं वो सब हमें शारीरिक रूप से पोषण देते हैं, लेकिन कुछ आहार द्रव्य आयुर्वेद में ऐसे बताए गए हैं जो हमारे शरीर और मन दोनों को पुष्ट करते हैं और हमें उत्साहित रखते हैं। और वृद्धावस्था में मन निश्चित रूप से कमजोर नजर आता है कई मामले में, इसलिए वृद्धावस्था में या बुजुर्ग भाइयों को इस तरह की आहार लेना चाहिए जो हमारे मन को भी ऊर्जावान बनाए, जैसे दालों में मूंग की दाल। माफ कीजिएगा डॉक्टर भगवान, यहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है, इसके बारे में जानेंगे आपसे कि किस तरह का आहार होना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। सुभाष अग्रवाल जी ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुभाष जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, हेलो सुभाष, सुभाष जी अपना सवाल एक बार फिर से कृपया दोहरा दीजिए। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत हो रही है। जी ठीक है, डॉक्टर भगवान आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इन्हें? इस अवस्था में पाचन संबंधी विकृतियां बहुत सामान्य बात है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस के साथ साथ हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का डिजनरेशन होने लग जाता है, इससे पाचक स्राव भी कम स्रवित होने लगते हैं। इसलिए पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए कुछ सावधानियां, विशेष सावधानियां हमारे बुजुर्ग भाइयों को रखनी चाहिए, जैसे लघु और सुपाच्य आहार लें, समय पर भोजन करें, भूखे पेट ना रहें, भारी भोजन से बचें, रिच फाइबर डाइट लें। इसके साथ साथ जो कुछ जैसे पाचन द्रव्य, पाचक रसों का स्राव कम हो जाता है तो अतिरिक्त हमारे जो मसाले हैं उनके द्वारा हमारे पाचक जो स्राव है उनका सीक्रेशन को बढ़ाया जा सकता है जो हमारे किचन में विद्यमान है, जैसे दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक है, धनिया है, जीरा है, ये इस तरह के मसाले हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए, ये हमारे पाचन स्राव को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ कुछ आहार द्रव्य, कुछ औषधियां हैं, जैसे आंवला है, आंवले का भरपूर प्रयोग करें, हरड़े का प्रयोग नियमित रूप से करें, तो ये जो पाचन की समस्या और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है इसका समाधान बहुत बखूबी कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विजय, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है ये बुजुर्गों में बहुत ही आमतौर पर देखा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि यूं तो 3 में से हर 1 इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम है जो पाचन संबंधी समस्या है, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो 90% उनमें बुजुर्ग ही पाए जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है और उनका पाचन जो है वो सही रहे, दुरुस्त रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें रूल ऑफ 3 जो बोलते हैं कि 3 दिन में अगर किसी को एक बार मोशन हो रहा है, एक बार उनका पेट साफ हो रहा है, वो बुजुर्गों के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बुजुर्गों को स्पेशली हमारे देश में जो है एक आदत, एक साइकोलॉजिकली हो जाता है कि उन्हें रोज मोशन होना चाहिए। लेकिन साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से 3 दिन में अगर किसी को मोशन हो रहा है तो वो एक नॉर्मल चीज है, और 1 दिन में अगर 3 बार भी हो रहा है वो भी एक नॉर्मल चीज है। अच्छा। अब इसमें जो रेड फ्लैग साइंस हैं, जो डेंजर साइंस हैं, वो ये है कि अगर आपके जब पेट साफ होता है तो अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है वो एक रेड फ्लैग साइन है। दूसरा, आपका वजन कम हो रहा है वो एक रेड फ्लैग साइन है। आपको वहाँ दर्द हो रहा है मोशन पास करते हुए, वो एक जो है तब आपको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए कि वो कई बार कैंसर भी हो सकता है, या जो दूसरी जो हम बोलते हैं समस्याएं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वगैरह वो भी हो सकती हैं, तो उसके लिए जांच जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से उनसे बात करते हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार विपिन जी, जरा तेज बोलेंगे कृपया, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी धीमा भाव आ रही है जी, अपना सवाल पूछिए विपिन जी। जी मैम मेरे दो सवाल है। पहला सवाल मैम ये था कि कहा जाता है कि अगर यंग एज से ही अपना हेल्दी रूटीन रखेंगे तो बुढ़ापा बहुत ही अच्छा और सुलभ होता है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किस एज से अपना रूटीन चेंज कर देना चाहिए या फिर कहाँ तक मतलब कब से हमें शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा सवाल ये था कि दूसरा सवाल मैम मेरा ये था कि बुढ़ापे में अगर कोई भी बीमारी हो जाए या फिर कोई भी समस्या आती है किसी भी व्यक्ति को तो एक मानसिकता रहती है कि तो बुढ़ापे में होता ही है सब, वहां से कैसे बाहर निकले। जी ठीक है, तो आइए आपके दोनों सवालों के जवाब देते हैं। डॉक्टर भगवान पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसा उन्होंने कहा है कि अगर कोई हेल्दी रूटीन नहीं रख पा रहा है तो क्या करे। जी हेल्दी रूटीन वैसे रखना चाहिए, लेकिन उस अगर हेल्दी रूटीन नहीं रखते हैं तो भी कुछ रसायन द्रव्य आयुर्वेद में ऐसे वर्णन किए गए हैं, उनका सेवन तो नियमित रूप से किया जा सकता है। जैसे आंवला है, हरड़ है, त्रिफला है, शंख पुष्पी है, इस तरह के जो रसायन द्रव्य जो जनरल हमारे शरीर को की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो इन द्रव्यों का प्रयोग अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो रूटीन ठीक नहीं होने के बावजूद भी फ्री रेडिकल्स को ये बॉडी से रिलीज करते रहते हैं और हमें स्वस्थ रखने में मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर विजय आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों को कई तरह की जब समस्याएं होती है तो ये आम धारणा होती है कि उम्र बढ़ चली है तो ये समस्या तो होगी ही होगी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे। यही धारणाएं हमें तोड़नी है, यही आपका और डीडी किसान का और हमारा मकसद है कि हम बुजुर्गों में जो ये समस्याएं जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है उसके बारे में इतनी जागरूकता फैलाएं कि लोगों को पता लगे कि ये एक नॉर्मल है, एजिंग प्रोसेस है और ये एक डिजीज है। जी। तो वहाँ वो जो डिफरेंस है उसको आपको पता करना है, उसके लिए आपका रूटीन हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं, जैसा कि डॉक्टर भगवान ने बताया कि आपको अगर नॉर्मल रूटीन आप अच्छा नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आपको अगर अपना रूटीन चेकअप वगैरह करते रहते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी डायबिटीज बढ़ रही है, मेरा बीपी बढ़ रहा है या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे अपने खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे व्यायाम करना चाहिए, मुझे अपना वजन कम करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जिन पे जो हमें अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की बातों पे, इस तरह का अगर फॉल्टी लाइफस्टाइल कोई व्यक्ति कर ले जीवन में कर रहा है तो उसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा के कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो पंचकर्म विशेषज्ञ के निर्देशन में किए जा सकते हैं। ये बायो क्लिंजिंग होती है कि जिससे फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण जो टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में हो जाता है उन टॉक्सिन्स को अगर समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है तो भी वो हमारे रोगों से बचने में हमें मदद मिलती है। जैसे मालिश करना है, सिकाई करना है, धूप में बैठ के सिकाई करना है, वीकेंड पे सिकाई कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, शिरोधारा है, इस तरह के जो क्लिंजिंग प्रोसेस है जो हमारे बायोलॉजिकल ह्यूमर्स है वात पित्त कफ उसके बैलेंस को रखने में मददगार होते हैं, तो इनको अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो उम्मीद है विपिन जी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग इसके जवाब से जरूर जागरूक होंगे और वृद्धावस्था को हल्के में नहीं लेंगे बल्कि इसमें और जागरूकता के साथ हेल्दी एजिंग की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, आप भी जुड़े रहें हमारे साथ इस कार्यक्रम में, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग के बारे में। तो इस बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण जी जबलपुर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सत्यनारायण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी सत्यनारायण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी बताएं। एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी मेरा जी पिछली तरह चलती है, ये बचने के नीचे जो अच्छा पिंडलियों में दर्द है एक पिछले एक साल से। जी? आपकी पिंडलियों में पिछले एक साल से दर्द है, ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए डॉक्टर विजय, क्या वजह हो सकती है और ऐसे में क्या करें? जी जो बुजुर्गों में पिंडलियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द जो है ये बहुत तो देखा जाता है, और इसमें एक विटामिन डी की समस्या हमारे देश में जो है बहुत देखी जा रही है कि विटामिन डी की कमी हमारे बुजुर्गों में पाई जाती है। तो उसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन प्लस जो कैल्शियम है उसका सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और जो एक धारणा है कि बुजुर्गों को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि बुजुर्गों को भी उतने ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है जितने की, बल्कि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनका अब्जॉर्प्शन कम होता है। तो जो आप अगर वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं उससे प्रोटीन ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर नॉन वेज लेते हैं तो नॉन वेज सोर्सेज से आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी जो एक संतुलित आहार लें उसमें प्रोटीन का भी मात्रा का ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है सत्यनारायण जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे बहुत से दर्शक हैं जो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेजते हैं, तो आइए ऐसे कुछ सवालों को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है रंजना कुमारी जी ने लखनऊ से, और इनका कहना है कि उनकी उम्र 57 साल है और रातों में सोते समय कभी कभी सीने में दर्द की समस्या होती है और बीपी भी है, और इन्होंने ये भी बताया है साथ में कि टेलमाकाइन एच वो लेती हैं, लेकिन ये जानना चाहती है क्या आयुर्वेद में कोई दवाई है? तो डॉक्टर भगवान बताएं। जी इस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बुजुर्गों में बहुत सामान्य है, हाइपरटेंशन रहना, उच्च रक्तचाप और चेस्ट में दर्द वगैरह होना, सीने में दर्द, इस तरह की खांसी जुकाम पुराना क्रॉनिक ये होना सब सामान्य एक उसका हिस्सा है। जी तो ऐसी स्थिति में कुछ रसायन जो जो एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं उनको कंटिन्यू रखिए। इसके साथ साथ कुछ रसायन द्रव्य ऐसे हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को बहुत मजबूत बनाते हैं, जिसमें आंवला हरड़ ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जिसमें आप इसके साथ वासा का भी जो जितने प्रिपरेशन आते हैं उनको आप मार्केट से यूज कर सकते हैं, च्यवनप्राश यूज कर सकते हैं, ब्रह्म रसायन यूज कर सकते हैं, अगस्त हरित की इसमें बहुत लाभदायक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी को क्लींज करती है और प्राणवायु संस्थान जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको काफ़ी पोटेंट करती है। साथ ही साथ हृदय के लिए भी कुछ औषधियाँ बहुत लाभप्रद मानी गई है जिनको आप आहार में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आंवला सब जगह बार बार हम प्रयोग बता रहे हैं, आंवले का प्रयोग करें। साथ ही अर्जुन का प्रयोग आप अर्जुन अरिष्ट के रूप में या अर्जुन छाल चूर्ण के रूप में, या अर्जुन छाल को आधा चम्मच अर्जुन छाल को आप एक कप दूध एक कप गर्म पानी में मिला के उसको उबालें अच्छी तरह से, और उबाल के जब एक कप दूध रह जाए तब छान के उसका प्रयोग चाय की तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको हृदय को भी मजबूती देगा और इसके साथ साथ जो आपके प्राणवायु स्रोत या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको भी मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी सिरसा हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है। कब्ज की दिक्कत बता रहे हैं सुरेंद्र जी? हेलो जी, सुबह सुबह डॉक्टर विजय जी, सुबह सुबह जो पैरों में दर्द देखा जाता है,
जो एडियो में बता रहे हैं कि ये एडियो में दर्द होता है सुबह सुबह, जो लोग बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो जब सुबह सुबह उठ के जब पैर अपना जमीन पर रखते हैं तो उनकी एडियो में बहुत तेज दर्द होता है, जो उनके तलवे होते हैं पैरों के, तो उसमें देखा गया है जब उनका एक्सरे किया जाता है तो उसमें एक जो हमारी नीचे वाली हील जो बोलते हैं कैल्केनियन स्पर उसमें हो जाता है, नुकीली हो जाती है, एक तो वो देखने की ज़रूरत है, दूसरा उसमें गठिया बाव के कोई लक्षण तो नहीं है, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरे फैक्टर्स की जांच करने की ज़रूरत है, और जो कुछ और इनका एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह देख के इनको जो है एक बार अपने आसपास जो है डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए कि इनके एडियो में क्यों दर्द है तो उसका निवारण किया जा सकता है। तो सुरेंद्र जी, उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर इस सलाह पर अमल करेंगे। डॉक्टर भगवान, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि डॉक्टर विजय ने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था कि बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द की जो समस्याएं हैं वो बहुत आमतौर पर देखी जाती है, तो ऐसे में आयुर्वेद के अनुसार क्या आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और पहले से ही वो ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि इस तरह की समस्या बढ़ती उम्र में ना हो? जोड़ों में दर्द की समस्या है जी, हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस इसको बोलते हैं, हड्डियों का खोखलापन है, ये सब वृद्धावस्था में डीजनरेशन के कारण होने वाली सामान्य बीमारियां हैं जिनको निश्चित रूप से हर बुजुर्ग को फेस करना होता है जी। तो वृद्धावस्था की सुखद वृद्धावस्था की जो आधारशिला है वो बचपन में ही डाली जाती है, को सही खान पान, सही जीवन शैली रखें, रसायन द्रव्यों का प्रयोग नियमित रूप से करें, जैसे जिनमें आंवला बार बार आ रहा है, इनका एक आंवले का प्रयोग नियमित रूप से अगर हम करते हैं तो हमारी जो है धातुओं का पोषण होता रहता है और धातु के कुपोषण के कारण होने वाली इस तरह के जॉइंट पेन नहीं होते हैं। अगर जॉइंट पेन हो भी रहा है तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में बहुत सारे तेल ऑयल आते हैं, मेडिकेटेड ऑयल, जैसे महानारायण तेल है, लघु विषगर्भ तेल है, उनकी मालिश करनी चाहिए। साथ ही साथ जो है कुछ इस तरह के द्रव्य होते हैं, गुग्गुलू है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होते हैं, जो इन्फ्लामेशन के कारण इस तरह का होता है, तो महायुगराज गुग्गुल है, पंचामृत लोह गुग्गुल है, शिग्रु गुग्गुल है, इस तरह की औषधियाँ मार्केट में अवेलेबल होती है, वहाँ किसी चिकित्सक के परामर्श से औषधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। साथ ही साथ एक पाउडर में बता रहा हूँ, उसका प्रयोग कोई भी घर में एक घरेलू चिकित्सा के रूप में कर सकते हैं, जैसे त्रिफला है, सौंठ है, उसमें दाना मेथी है, इसको सबको सम मात्रा में मिलाकर एक चम्मच सुबह शाम अगर गर्म पानी से लिया जाए तो जितने भी जो अस्थि संबंधी विकार हैं, जोड़ों संबंधी विकार हैं, उनको बहुत कुछ कवर किया जा सकता है जी। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अमिताभ जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं वैशाली बिहार से। अमिताभ जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो अमिताभ जी, मेरी जी बताएं जी, स्वस्थ जीवन के लिए कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल, आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो डॉक्टर भगवान कुछ और बातें अगर आप बताना चाहें। जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं जी कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यायाम आवश्यक है, भोजन पे, डाइट पे बात चल रही थी कि डाइट में कुछ चीजें ऐसी आप हमें शामिल करनी चाहिए जिनका नियमित हम सेवन करें तो हमारे धातुओं का पोषण समुचित रूप से होता रहता है। जैसे फलों में अनार, आंवला, हरड़, तीन फलों का सेवन नियमित रूप से किसी न किसी रूप में करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में मुनक्के का प्रयोग किसी न किसी रूप में, जिनको डायबिटीज नहीं है उन लोगों को 10 मुनक्के, 15 मुनक्के रोज नियमित रूप से लेने चाहिए जी जी। शहद का प्रयोग नियमित रूप से एक चम्मच, आधा चम्मच के रूप में करना चाहिए। इसके साथ ही साथ दूध और घी, ये नियमित रूप से हमें प्रयोग करना चाहिए। ये हमारी हितकर डाइट आयुर्वेद में कही गई है कि जो हमारे पूर्ण पोषण प्रदान करती है और साथ ही हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती रहती है जी। इसके साथ साथ प्राणायाम है, ध्यान है, इनका प्रयोग भी करना चाहिए प्रयोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विजय आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो जोड़ों के दर्द की समस्याएं होती हैं अक्सर, और ऐसी स्थिति में कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह दी जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम दर्द शुरू होने के बाद ही अक्सर जाते हैं, लेकिन क्या प्रिवेंशन के तौर पर, बचाव के तौर पर भी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट पहले से किए जा सकते हैं? जी, ये बहुत देखा गया है कि बुजुर्गों में जो उनके जोड़ घिस जाने की जो
होती है, एक उनका गलत तरीके से बैठना उठना है वो भी उसमें एक शामिल है। तो जो बुजुर्गों के लिए जो घुटने खराब होने के बाद वो उसको शुरू करते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना जी, आलती पालती मार के ना बैठना, तो वो सब चीजें अगर हम पहले से वो करें तो और अपने तो वो घुटने जो हैं बचाए जा सकते हैं। और जो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जो हम बोलते हैं एक्सरसाइज जो है, अगर वो हम करें तो गैप जो होता है दो हड्डियों के बीच में घुटने में उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। वो जल्दी से उसमें जो जैसा कि डाइट के लिए भी बताया गया कि डाइट भी हम अगर उचित लें तो उससे जो है वो आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और आपकी जो बोन्स हैं वो मजबूत रहेंगी। और अगर कुछ लोगों में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी अगर हो जाती है मैकेनिकल, बिल्कुल उनके जोड़ जो है बिल्कुल मिल चुके हैं, वो इस अवस्था में है कि अब वो बहुत दर्द होता है या अपने जो जीवन का जो निजी जीवन का जो दिन दैनिक कार्य है वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे, उनका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, तो ऐसे में उन्हें जो है रिप्लेसमेंट जो नी रिप्लेसमेंट वगैरह है उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत ही कारगर होता है और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो ये भी एक उससे उनकी जो और बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है जी, और जी। उनकी जो डिप्रेशन है वो भी दूर होता है, कि वो शरीर में शिथिलता आने से और भी कोई जो भी समस्याएं होती है वो भी दूर वो नहीं होगी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। घनश्याम जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी घनश्याम जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी घनश्याम जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी बताइए जी घनश्याम जी आपकी क्या समस्या है हम समझ नहीं पाए, बस फिर से दोहरा दीजिए अपना सवाल। वजन कम कर जी बिल्कुल। आइए जानते हैं डॉक्टर विजय क्या सुझाव देंगे आपने। वजन कम करने के लिए सबसे पहले तो हम जो है डाइट का ही बताते हैं कि डाइट को जो है फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स आपको लेने हैं और जो एक्सेस डाइट है उसको कट करना है, कार्ब्स जो कट करने हैं आपको, शुगर जो है वो डिक्रीज करनी है अपनी डाइट में। दूसरा एक्सरसाइज का तो इसके में भी एक जो आता है कि स्टेप अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है आपको और दूसरी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं वो भी उसकी वजह से हो रही हैं, तो आजकल जो है बैरियट्रिक सर्जरी और इस तरह के ऑप्शंस भी एलोपैथी में आ गए हैं जो कि बहुत कारगर हैं और उससे आपकी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वो भी साथ में कंट्रोल हो जाती हैं जी बिल्कुल। डॉक्टर भगवान यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि बढ़ती उम्र में कई बार बढ़ता वजन एक बड़ी समस्या हो जाती है, आहार का तो इसमें मुख्य जो भूमिका है वो होती ही है और इसमें वसा को कम करने की बात कई बार कही जाती है। आपने जैसे अभी सुझाव दिया दूध और घी अपने आहार में रखने के लिए, तो हमें ये बताएं कि इसका सेवन किस रूप में किया जाए ताकि वो नुकसान न करें बल्कि फायदा करें। जी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मोटापे का जो भी कारण है वो हमारा पाचन का, हमारी जो पाचन शक्ति का मंद हो जाना है। जब हमारी पाचन शक्ति मंद हो जाती है तो हमारे जो आहार रस से बनने वाला जो रस है वो रस न बन के उसका बायो प्रोडक्ट बनने लग जाता है और वही फिर हमारे फैट के रूप में बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो हमें सभी तरह से प्रयास करना चाहिए कि हमारी पाचन शक्ति दुरुस्त रहे, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहे, उसके साथ हमारा आहार विहार लघु और सुपाच्य होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके हम हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं और मोटापे को कम कर सकते हैं, जैसे सौंठ मरीच और पिपल, इन तीनों से बना हुआ चूर्ण आता है त्रिकटु चूर्ण के रूप में, इस चूर्ण का प्रयोग आधा आधा चम्मच सुबह शाम कर सकते हैं। साथ साथ त्रिफला का प्रयोग नियमित रूप से अगर उसमें उसी के साथ आधा चम्मच त्रिफला और आधा चम्मच त्रिकटु मिला के गर्म पानी से अगर प्रयोग करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसे दुरुस्त रहता है और उसे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो नहीं बनता और हमें शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम मोटापे का एक परिहार कर सकते हैं। साथ साथ अगर ऐसे समय पर जब हमारे मेटाबॉलिज्म हमने अच्छा कर लिया दुरुस्त कर लिया तो जो हम दूध और जो घी ले रहे हैं वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होगा और हमारे धातुओं को पुष्टि करेगा और हमारी ओज को बढ़ाएगा जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो सब तरह से जो है हमारे लिए वो लाभप्रद हो जाएगा। बिल्कुल
चलिए इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुँचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें, देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जिसमें आज हम खासतौर पर बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग के बारे में। तो आइए, हेल्दी एजिंग कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए कुछ और यहाँ पे नुस्खे लेते हैं। डॉक्टर विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों लोगों की जो जीवन शैली हो गई है उसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ तनाव बढ़ चला है, और हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन की समस्याएं बहुत ज्यादा होने लग गई है और हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्याएं ज्यादा होने लग गई है। तो ऐसे स्थिति में जिसका असर फिर आगे चल के हृदय पर भी पड़ता है, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, जैसे कि आप ने बात की कि हृदय रोग जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मोटापे की वजह से जो है बहुत बढ़ रहे हैं जी। और इसमें जरूरी है कि जो अगर आपको पता लग गया है कि आपका बीपी जो है बढ़ता है, तो उसको उसकी नियमित रूप से दवाई ली जाए, उसको व्यायाम से, आप मेडिटेशन से जैसे भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर ना करें कि डिनायल फेज में रहते हैं लोग। मैं रोज ओपीडी में लोग देखता हूं कि उनको पता लग गया है, उनका जब मैं देखता हूं बीपी ज्यादा, मैं पूछता हूं जी कब से है, कह रहे हैं सर 3 साल पहले से है लेकिन मैं दवाई नहीं लेता, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था लेकिन मैं जो है कभी कभार चेक कराता हूं, हाई आता है लेकिन मैं इसकी कोई दवाई नहीं लेता। ऐसे मरीजों को फिर हम बाद में आईसीयू में देखते हैं, उनकी ब्रेन की नस फट जाती है या कभी हार्ट अटैक होता है तो, या किडनी खराब होती है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बिल्कुल आराम से प्रिवेंटेबल हैं अगर वो उसको जो है कंट्रोल में रखें तो जी। ऐसे ही शुगर का भी है, लोग बहुत दिनों तक डिनायल में रहते हैं। हमारे देश में ये भी देखा गया कि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पाती मरीज की, कि उसको अच्छे से जब भी कोई दवाई शुरू की जाए उसे समझाया जाए। हाइपरटेंशन जब डायग्नोज होता है या कोई भी बीमारी जो उसको डायग्नोज होती है, हमारे लिए मरीज जो है सिर्फ हम सोचते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये तो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन उस मरीज के लिए उसकी लाइफ एकदम से बदल जाती है उसको जब एक डायग्नोसिस मिलता है। तो जैसे कि दूसरी बीमारी जैसे एचआईवी में एक काउंसलिंग सेशन होता है जब उसको रिपोर्ट देते हैं, इसी तरह से जब हाइपरटेंशन या डायबिटीज वगैरह या कोई भी बीमारी जब डायग्नोज होती है किसी को, जब उसे लेबल करते हैं, उसकी दवाई शुरू करते हैं, तो उससे पहले एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उसे उन्हें जागरूक किया जाए। बहुत से किसान भाइयों को आपने देखा होगा कि उनको रात में हृदयघात हो गया या स्ट्रोक हो गया, बहुत से गांव में आप देखते हैं कि उन्हें लकवा हो गया उन्हें, तो वो मोस्टली केसेज में इन्हीं जो 2-3 बीमारियां हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या जिसके बारे में हम या फिर उपेक्षा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो उसका असर आगे चल के बहुत ही घातक हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ राजेश जी इस वक्त जयपुर राजस्थान से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते जी। नमस्कार, बताए। मैडम समस्या ये थी कि मेरे पिताजी की उम्र 65 वर्ष है जी, उनके एक तो जोड़ में दर्द की समस्या रहती है और एक वो प्रेस होने जाते तो उनको ब्लड आता है जी, तो कुछ सुझाव देंगे इसमें? ठीक, डॉक्टर विजय जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड आना जो है वो एक रेड फ्लैग साइन है, उसमें देखना होगा कि वो उनको जब ब्लड आता है तो पेनलेस है कि उनकी उस पेन होता है, तो उसमें वो एनल फिशर है या पाइल्स हैं या वहाँ पे कोई उनको मांस वगैरह भी वहाँ से निकलता है, कुछ ऐसा कोई
उनको प्रतीत होता है कि वो पीछे के रास्ते से कुछ बाहर निकल रहा है, तो ऐसे में उनकी जो है जांच होनी ज़रूरी है लेटरिंग के रास्ते से कि वहाँ पे कोई कैंसर ग्रोथ वगैरह नहीं है या पाइल्स तो नहीं है या एनल फिशर तो नहीं है, जिसका बहुत आसानी से उपचार उपलब्ध है और उसको किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को शामिल करते हैं जो ईमेल के माध्यम से हमें मिले हैं। एक सवाल भेजा है सलमा बेग जी ने झांसी से, ये लिखती हैं कि इनकी माताजी की उम्र 54 साल की है, भोपाल में रहती हैं। उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला है कि उन्हें प्री डायबिटीज है, तो और जानना चाहती हैं कि रोग से या व्यायाम से क्या ये अभी भी बीमारी ठीक की जा सकती है, तो डॉक्टर भगवान आपका क्या सुझाव होगा? निश्चित रूप से जो प्री डायबिटिक जो कंडीशन है उसको योग प्राणायाम और डाइट कंट्रोल से ठीक किया जा सकता है। इस विषय में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसके साथ साथ, एक निशा अमल की चून मार्केट में अवेलेबल होता है जिसमें मात्र दो चीज़ें होती है, हल्दी का पाउडर और आंवले का पाउडर। उन दोनों को पाउडर जो निशा अमल की चून होता है उसको एक एक चम्मच सुबह शाम प्री डायबिटिक पेशेंट अगर लेता है तो निश्चित रूप से ये उसके लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। इसके साथ ही साथ और भी जो जितने भी जो डायबिटीज के लिए जो मेडिसिन आती है अगर उनको उचित मात्रा में अगर वो लेते हैं तो जैसे मधुमेह हरी चूर्ण आते हैं उसमें विजय सार, शिलाजीत, त्रिफला और इस तरह की चीज़ें होती है तो उनका प्रयोग करें तो लाभप्रद हो सकता है। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को ले लेते हैं। अगला सवाल भेजा है कमलेश पांडा जी ने मोतिहारी बिहार से, ये लिखते हैं कि इनके पिताजी की उम्र 71 साल की है और कम सुनने की समस्या तो है ही, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्हें खाने पीने में स्वाद भी नहीं लगता है, तो डॉक्टर विजय इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? हाँ, इसमें जैसे इन्होंने बताया कि कम सुनने की समस्या है, ये बुजुर्गों में बहुत ही आम एक समस्या है और जिसके बारे में जैसे हम चश्मे के लिए जागरूक है, तो किसी को भी आप चश्मा देंगे तो पहन लेता है, लेकिन हियरिंग एड वगैरह की जहाँ बात आती है लोगों को सूट नहीं होती है उसमें, वो उसको जो है एक बार उनको सूट नहीं होगी तो उसको रख देते हैं, दोबारा जाते भी नहीं है कि मेरे को इसकी सेटिंग्स चेंज करके, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो उनकी सुनने की क्षमता ठीक करें, ठीक करवाएं, क्योंकि सुनने की क्षमता कम होने से देखा गया है कि लोगों में डिमेंशिया के भी चांसेस बढ़ते हैं, ये स्टडीज में पाया गया है। दूसरा जो स्वाद नहीं आ रहा है उसके लिए जो हमारी जो ग्लोसाइटिस उनके अंदर कुछ टंग में इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था या कुछ, उसके लिए उनकी जाँच होनी ज़रूरी है और टंग का एक बार देखना ज़रूरी है कि उन पर जो जो हमारी जो टेस्ट बड्स हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, तो उनको धीरे जो फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स है वो और डिफरेंट टेस्ट के जो है फूड्स जो है ट्राई करने चाहिए। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेल्दी एजिंग की आज हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर भगवान ने इसमें शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी बेहद ज़रूरी है, तो आयुर्वेद के अनुसार आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। जी जी। उसमें सबसे पहले तो जो मैंने डाइट आपको बताई, जो हितकर आहार बताए गए हैं जो कि मन को हमारे को ऊर्जावान बनाते हैं, उस तरह का आहार का ग्रहण करना चाहिए। उसके साथ ही साथ मेथ द्रव्य आयुर्वेद में बताए हैं जो मेधा हमारे बुद्धि को बढ़ाते हैं, तो ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि हमारे मस्तिष्क की जो सेल्स हैं वो 30 सेल्स प्रति मिनट डिस्ट्रॉय होती है, तो उनका रीजनरेशन का प्रोसेस अगर हम कुछ देखें तो आयुर्वेद में मेध्य द्रव्य जितने भी हैं जैसे शंखपुष्पी है, जटामासी है, मुलेठी है, गिलोय है, इस तरह के जो है आंवला है, अश्वगंधा है, ये इस तरह के मेध्य द्रव्य हैं, रसायन द्रव्य हैं जो हमारी ब्रेन में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाते हैं और हमें मेधा शक्ति से संपन्न करते हैं, हमारी मेमोरी को इनहेंस करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारा मन और स्मृति बुद्धि दोनों ही ठीक रहती है, तो इन चीज़ों का नियमित प्रयोग हमें करना चाहिए। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर श्री ओम जी जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। ओम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो जी ओम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, टीवी की आवाज बंद रखिएगा कृपया। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार, बताएं।
मैडम जी मेरे पैरों में बड़ी दिक्कत है, चौकड़ी मार के नहीं बैठा था मेरे पे जी। अच्छा, क्या उम्र होगी उम्र जी आपकी? उम्र जी 45-46 साल मैडम जी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर विजय कुछ सुझाव आपकी तरफ से? जी जैसा कि मैंने बताया कि ये एक अनहेल्दी स्टाइल होता है जो चौकड़ी मार के बैठना, या जो हम जो इंडियन टॉयलेट्स जो यूज करते हैं उकड़ू बैठना जिसे बोलते हैं, इनमें जो है आपके घुटनों में जो है धीरे धीरे दबाव पड़ता है हड्डियों पे, और वो आपस में जोड़ जो है वो हड्डियाँ घिसने लग जाती हैं। तो इसमें जो है एक अवॉइड करना है इन्हें, ये हम इससे परहेज करना है। जहाँ भी ये जाएं इसको कोशिश करें कि ये इस पोस्चर में ना बैठें, दूसरों वहाँ पे चेयर का इस्तेमाल करें और घर में भी वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, तभी जो है इनको इससे मुक्ति मिल पाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर भगवान कुछ सुझाव आप भी देना चाहेंगे? निश्चित रूप से, जैसे ये समस्या बता रहे हैं इनको मसल्स में स्टिफनेस के कारण भी कई बार इस तरह के बैठने में असुविधा होने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में धूप में बैठकर हल्का सा तेल को गर्म करके, महानारायण तेल है, लघु विषगर्भ तेल है, इन तेल को गर्म करके अगर हम मसाज करते हैं और एक घंटे धूप में हमारी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, तो इससे भी ये समस्या का बहुत कुछ थोड़ा समाधान हो सकता है। बाकी का जैसा सर ने बताया उसको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और ईमेल से भेजा हुआ एक और सवाल हमारे दर्शक का ले लेते हैं। सवाल भेजा है भोपाल से सुरेंद्र सिंह राठौर जी ने। इन्होंने लिखा है कि खाली पेट गैस की दवा लेते हैं फिर भी गैस दिल की तरफ अटैक करती है, उपचार बताएं। तो ये समस्या जो है आमतौर पर देखी जाती है, गैस की समस्याएं काफी हो जाती है, तो डॉक्टर भगवान आपका क्या सुझाव रहेगा इस समय? इस तरह की समस्याएं गरिष्ठ भोजन करने से और देर रात को भोजन करने से ज्यादा देखने को मिलती है। जी जी। तो रात्रि का भोजन 7 बजे तक कर लें और जो भी भोजन करें वो रिच फाइबर डाइट होनी चाहिए और सुपाच्य आहार होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर इसके बाद भी अगर ये चीजें परसिस्ट कर रही है तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जैसे लौंग का प्रयोग करें आप, एक लौंग या दो लौंग लें, उसको एक कप पानी में पाउडर करके उबाल लें, उबलते उबलते आधा कप रह जाए तब उसको छानकर या बिना छाने भी उसका प्रयोग गर्म गर्म पानी का करना चाहिए, जो बेस्ट एंटासिड का काम करता है और हमें इन सब तरह की चीजों से निजात दे सकता है। इसके साथ साथ हींग का प्रयोग भोजन में बढ़ाया जा सकता है, अजवाइन का प्रयोग भोजन में बढ़ाया जा सकता है, जो कि इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। लहसुन का प्रयोग इसमें आप बढ़ा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विजय आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे थे और जब भी उम्र बढ़ती है लोग भूलने लग जाते हैं, तो उसको बहुत ही आमतौर पर लिया जाता है कि हाँ उम्र बढ़ने के साथ साथ तो भूलते ही हैं, लेकिन ये समस्या कब गंभीर बन सकती है, कब सचेत हो जाना चाहिए मेंटल हेल्थ को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे आप? जी आज पूरे विश्व में ही मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है और ये बहुत ही गंभीर विषय बनता जा रहा है। सबसे ज़्यादा लोग जो है परेशान आज के दिन मेंटल हेल्थ से हैं कि सब कुछ होते हुए भी जो है अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। तो बुजुर्गों में बहुत लोग सोचते थे कि बुजुर्गों में किस बात का डिप्रेशन है, अब उन्होंने तो अपना जीवन जी लिया है या उनके तो बच्चे सब सेट हैं, तो एक अकेलापन जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है बुजुर्गों में जी। क्योंकि जिनके बच्चे तरक्की कर गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है या अच्छा उन्होंने सेटल कर लिया है, अब वो बच्चे जो हैं अपने जो एक माइग्रेशन की आप समस्या उसे कह सकते हैं कि छोटे शहर गांव से वो शहरों में चले गए हैं या छोटे शहरों से बड़े शहरों में चले गए हैं, बड़े शहरों से वो विदेशों में चले गए हैं, तो ये समस्या जो है हर लेवल पे है। गांव में भी बुजुर्ग अकेले हैं और दिल्ली के बड़े बड़े पोश इलाकों में भी बुजुर्ग अकेले हैं, तो उनमें जो है ये एक अकेलेपन की समस्या बहुत ही गंभीर बन गई है, जिससे कि मेंटल हेल्थ बुजुर्गों की काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें एक डिमेंशिया वाली जो बीमारी जिसके बारे में बता रहा था कि जागरूकता की कमी है जी। अगर आपको लगे कि बुजुर्गों में जो है उनको बार बार वो एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, उनके स्वभाव में बदलाव है, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो बात कम कर रहे हैं या बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो
यानी कि व्यवहार में अगर इस तरह की तब्दीली देख रहे हैं तो सचेत हो जाने का ये समय है। डॉक्टर विजय कुमार और डॉक्टर भगवान साय, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी हमें कार्यक्रम में दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आप विशेषज्ञों द्वारा दी गई इन जानकारियों से जरूर लाभान्वित हुए होंगे और बढ़ती उम्र को लेकर आप भी सचेत रहेंगे। बहरहाल इस बीच हमारे दर्शकों के पिछले सप्ताह भी बहुत सारे मेल आए हैं सवालों के, पिछले सप्ताह के कुछ मेल यहाँ पर पढ़ देती हूँ। कोलकाता से रविंद्र मजुमदार जी ने पूछा है कि उनकी माँ को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, तो वहीं लखनऊ से सुषमा गुप्ता जी ने लिखा है कि उनकी समस्या ये है कि उन्हें कई बार अचानक सीने में दर्द जैसा महसूस होता है। हम बहुत जल्द आपकी इन समस्याओं को विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से दो दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इस बीच आप भी अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमें मेल भेज सकते हैं। नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी swasthkisanlive@gmail.com। इसी के साथ आज के लिए स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात, तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।